अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ये बात आप भी अच्छे से जानते होंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा, फिर चाहे पाकिस्तान इसको अपना कहने की कोई भी कोशिश क्यों ना कर ले। पर जब इस मुद्दे के बारे में किसी बड़ी कंपनी या फिर किसी ऐसे शख्स से पूछा जाता है जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो उसको इस पूरे मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी करने से बचना होता है, ताकि उसके किसी भी तरह के कोई भी गलत जवाब से उसकी या उस कंपनी की वैल्यू और उसकी पहचान पर कोई भी सवाल ना खड़ा हो सके। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसने बिना किसी बात के कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है, साथ ही ये तक कह दिया कि पाकिस्तान कश्मीर को वापस लेकर रहेगा। ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र की सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई ने यह बयान दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान इसको लेकर ही रहेगा। दरअसल हुंडई की पाकिस्तान ब्रांच ने ट्विटर पर यह फोटो शेयर की है। इस फोटो को शेयर करते हुए हुंडई ने लिखा है, प्रेइंग फॉर द लिबरेशन ऑफ आवर इटर्नली ब्यूटीफुल कश्मीर टुडे एंड ऑलवेज, जिसका मतलब है सुंदर कश्मीर की मुक्ति के लिए आज और हमेशा प्रार्थना करते हुए। अब यहाँ हुंडई के इस बात का मतलब साफ साफ यही बन रहा है कि भारत के अंडर जब तक कश्मीर है वो आज़ाद नहीं है, जब कश्मीर पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाएगा तब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए, इसके लिए वो दुआएं भी लगातार और हर रोज़ मांग रहे हैं। हुंडई के इस पोस्ट को देखने के बाद सभी भारतीय भड़क गए हैं और हुंडई को बॉयकॉट करने की बात शुरू कर चुके हैं। पर जब हुंडई इंडिया ने लोगों के गुस्से को देखा तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा, हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार के लिए पिछले 25 से अधिक वर्षों से काम कर रही है। हुंडई मोटर इंडिया को जोड़ने वाली अवांछित सोशल मीडिया पोस्ट इस महान देश के प्रति हमारी सेवा को ठेस पहुंचा रही है। ये दोहराते हुए कि भारत हुंडई ब्रांड का दूसरा घर है, कंपनी ने कहा, हमारी असंवेदनशील संचार के प्रति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इस तरह के किसी भी विचार की कड़ी निंदा करते हैं। भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत हम देश के साथ साथ इसके नागरिकों की बेहतरी के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। यानी कि इस पूरी पोस्ट में भी हुंडई कंपनी अपनी पाकिस्तान ब्रांच की गलती को मानना नहीं चाहती है। अब हुंडई की इस पूरी प्रतिक्रिया और पूरी गलती को ना मानने का हर्जाना लोग देने भी लगे हैं। जो लोग हुंडई की कार्स को लेने जा रहे थे या जिन्होंने हुंडई की गाड़ियों की बुकिंग की थी, वो अपनी बुकिंग को कैंसिल करवा रहे हैं और अब दूसरी कंपनियों की गाड़ियों को लेने का मन बना चुके हैं। तो वहीं जिन लोगों के पास हुंडई की गाड़ियां हैं वो लोग उन्हें अब बेच रहे हैं या फिर उनको आग लगा रहे हैं। और अगर जल्द ही हुंडई ने अपनी पाकिस्तान ब्रांच की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी तो हुंडई को इससे भी बुरे अंजाम देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।